नमस्ते ऑलराउंडर रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ छोले भटूरे की रेसिपी, जो कि पंजाब की डिश है। तो सबसे पहले हम भटूरे के लिए आटा लगा देंगे। तो मैंने यहाँ मैदा लिया है 1 कप, ये और 1 कप लेंगे, 2 कप वजन में 250 ग्राम, 2 कप मैदा 250 ग्राम। अब इसमें हम मिक्स करेंगे चीनी 1 चम्मच, टेबल स्पून से नमक 4 भाग का 1 भाग टेबल स्पून से, और खाने वाला सोडा टी स्पून से आधा चम्मच, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब हम इसमें दही लेंगे 4 चम्मच टेबल स्पून से। अब 2 चम्मच तेल लेंगे, रिफाइंड तेल। अब इसे बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम हल्का गुनगुना पानी से, मैंने ये पानी थोड़ा गर्म कर लिया है, एकदम हल्का गर्म। अब इसी से हम गूथेंगे, नरम गूथना है। हम आटा इसलिए पहले लगा रहे हैं क्योंकि इसे हमें रेस्ट देना है 1.5 से 2 घंटा के लिए, उसके बाद ही हमें बनाना है। हमने इसे गूथ लिया है। गूथने के बाद हम 1 चम्मच ऊपर से रिफाइंड तेल इस तरह लगा देंगे। अब इसे गर्म जगह पे 2 घंटा के लिए रख देंगे। इसे ढक कर रखना है, या कोई कपड़ा से ढक दे या कोई थाली से ढक दे इसे। अब हम छोले को बॉयल करेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम छोले ली हूँ और इसे मैंने करीब 8-9 घंटा भिगो के रखा था। या तो आप रात को भिगो दे सुबह बनाए, सुबह भिगोए रात को बनाए, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन ये 8 से 9 घंटा में पूरी अच्छी तरह से ये फूल जाता है। अब इसे हमें कुकर में बॉयल करना है, तो इसके लिए हमें एक पोटली बनानी है जिसमें हमें तेज़पत्ता चाहिए। और मैंने यहाँ 100 ग्राम छोले लिए हैं, इसलिए 1/2 चम्मच चाय पत्ती है। खड़े गरम मसाले में दालचीनी है, 2 लौंग है, और ये काली वाली बड़ी इलायची है। अब इसे हम इस तरह करके पोटली बना देंगे। छोले को धो लें और साफ पानी के साथ कुकर में डालें। अब हम छोले को पानी के साथ डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे टीस्पून से, 1/2 चम्मच है, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये खाने वाला सोडा है टीस्पून से 4 भाग का 1 भाग। और जो हमने पोटली बनाई थी, या तो आप इस जगह पे धागे से बांध सकते हैं, नहीं तो मैंने इसी कपड़े से इस तरह बांध दिया है। अब इसे हम इसमें करीब 3 से 4 सीटी लगाएंगे। अब हमें छोले बनाने के लिए मसाले चाहिए। 2 टमाटर है, 5 कलियाँ लहसुन की है, और अदरक के टुकड़े हैं 1.5 इंच की, और थोड़ी सी बारीक काटी हुई पतली लंबी, और 1 बड़ी साइज की प्याज है, 1 सूखी लाल मिर्च, और टीस्पून से 1/2 चम्मच जीरा है, साबुत जीरा। सबसे पहले हम इसका पेस्ट बना लेंगे टमाटर का और अदरक लहसुन साथ में। हमने पेस्ट बना लिया है, अब इसे हम बनाएंगे। मैं यहाँ छोले सरसों का तेल में बना रही हूँ। आप घी और सरसों का तेल दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 30 ml तेल लिया है, टेबल स्पून से करीब 6 चम्मच। अब इसे गर्म होने दें। देखिए छोले पक गए हैं। अब ये हम पोटली निकाल लेंगे और छोले के पानी को इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम जीरा तड़के के लिए डालेंगे और सूखी लाल मिर्च। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब इसे हमें भूनना है, बस 1 मिनट तक भूनना है। देखिए ये छोले मसाले हैं, इसमें सारे मसाले मिक्स हैं, तो मैं ये छोले में यही मसाला डालूंगी।
इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके अलावा हमें अब दूसरा मसाला नहीं डालना है इसमें। अगर पैकेट वाला मसाला ना मिले तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अनार पाउडर सभी आधा चम्मच करके डालें। ये मैं पूरे पैकेट डालूंगी। ये 5 रुपया वाला पैकेट है, ये पैकेट 5 रुपया में आता है। ये मसाला मैं पूरे डालूंगी। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे। फिर हम इसे भूनेंगे। इसमें बस थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, एकदम थोड़ी सी। कई लोग इसमें हल्दी डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं। मैंने थोड़ा कलर अच्छा आने के लिए हल्दी डाल रही हूँ। अब इसमें जो हमने छोले मसाला दिखाया है, ये छोले मसाले डालूँगी। आप इस मसाले से ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें छोले डालेंगे। मैंने छोले डाल दिए हैं। अब इस तरह करके हमें मिला लेना है। अब इसमें हम छोले के जो पानी था, अब इसमें हम उसे मिक्स कर देंगे और इसे हम ढककर पकाएंगे 5 मिनट तक। छोला बनके तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे थोड़ा मैश कर देंगे, मतलब थोड़ा सा इस तरह करके तोड़ देंगे। सभी को नहीं तोड़ेंगे, बस। अगर आपको धनिया पत्ता पसंद हो तो इसमें डाल दें, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। छोला बनके तैयार है। अब 2 घंटे के बाद हम इसे फिर से एक बार इस तरह करके डो को मिक्स कर लेंगे और बनाना शुरू कर देंगे। बड़ी छोटी आप अपने साइज का गोला ले लें। थोड़ा सा मैदा की मदद से अब इसे हम बेलेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। गोल रखना हो तो गोल रखें, थोड़ा लंबा रखना हो तो लंबा रखें। मैं लंबा रखूँगी, वैसे भटूरा लंबा ही देखने में अच्छा लगता है। मैंने रिफाइन तेल डाला है फ्राई करने के लिए भटूरे को। अब भटूरे इसमें डाल देंगे। तेल पूरी अच्छी तरह गर्म होने दें, उसके बाद ही डालें। अब इसे हम पलट देंगे। इसी तरह अच्छे तरह से दोनों तरफ पकने देंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। मैंने जो अदरक ली थी, अब ये अदरक अब इस छोले में डाल देंगे। आपको छोले भटूरे की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।